नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जानी मानी मॉडल एक्ट्रेस नीता शर्मा पहुंची बरेली, होटल रेडिशन पहुंची और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने प्रशंसकों का किया शुक्रिया अदा। जी हां, नीता शर्मा जो कि आजकल सोशल मीडिया में बहुत ही चर्चे में है, इनके चर्चे में आने का कारण एक ही है, इनके वीडियोस में दर्शकों के ढेर सारे लाइक्स और व्यूज। आपको बता दें, जितने इनके लाइक्स होते हैं उससे कहीं ज्यादा इनकी वीडियो को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयरिंग भी किया जाता है। ऐसे में नीता शर्मा का एक और वीडियो वायरल हुआ है। यह नीता शर्मा एक कॉमर्शियल मॉडल होने के साथ साथ एक टीवी आर्टिस्ट भी हैं। रिपोर्ट आरपीएस समाचार। अपना नाम और हमारे दर्शकों को बताइए कि आप सुपरस्टार हैं, एक प्रकार मॉडल हैं और काफ़ी आपको जानी मानी जाने जा चुकी हैं आजकल, तो हमें यह बताइएगा कि बरेली आने का मोटिव बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगी। मेरा नाम नीता शर्मा है और मुझे एज ए मॉडल हर कोई जानता है, बट अभी यहाँ आकर मुझे सुनने को मिला कि एज ए इन्फ्लुएंसर भी लोग जानते हैं। दैट्स सो गुड, थैंक यू। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल द मीडिया, इंडिया 24 न्यूज़, राइट, एंड ऑल आई डोंट नो दिस ऑल न्यूज़ चैनल से। सो आप लोग यहाँ आए उसके धन्यवाद आपको पहले तो दिल से। और मेरा एक्चुअली क्या है ना, देखो मैं आई थी बरेली, एक्चुअली आज ही आई हूँ सडनली। मेरा एक प्रोजेक्ट रिगार्डिंग, वो प्रोजेक्ट अभी मूवी करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने किया हुआ है ऑलरेडी मूवी है, जो कि अभी 2-3 महीने में रिलीजिंग पे है। एंड उसके अलावा मैंने लाइक वेब सीरीज वगैरह किया हुआ है, फिर क्राइम शोज। तो बरेली आने का मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं अपने प्रोजेक्ट रिगार्डिंग आई हूँ, तो यहाँ मैं अब देखना चाहती हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट कितना आगे तक जाता है। सो लेट्स सी, टुडे आई एम गोइंग टू अटेंड द मीटिंग्स अबाउट द। मैडम, यहाँ आने का एक रीजन और भी है क्या, यहाँ कोई लोकेशन आप जैसे नेक्स्ट शूटिंग के लिए या जो सी भी सी है? जैसे मैं यहाँ बरेली आई, जी जी, ओब्वियसली मैंने पहले भी सुना है बरेली के बारे में, बहुत ही प्यारा सा ये झुमके वाली बरेली कही जाती है। जी, मैंने सुना है झुमके वाली बरेली। तो जैसे मैं एक्चुअली मेरे दिल में इच्छा तो थी कि मैं थोड़ा बरेली घूम लूँ, बट टाइम इतना नहीं है अपने पास, बहुत ही कम समय है, अब मुझे आ जाना है कल जाना है। तो मौका मिलेगा तो ओब्वियसली मैं बरेली घूमना पसंद करूँगी, क्योंकि जितना सुना है ओब्वियसली आप नए शहर में आते हो तो आपको भी इच्छा होती है घूमने की, जरा टूर करने की, तो मैं देखूँगी बरेली। वैसे भी मैडम, जो भी यहाँ मैक्सिमम जो भी इन्फ्लुएंसर या फिर मॉडल्स या फिर सुपर स्टार्स आते हैं वो बरेली को जरूर घूमते हैं। बस बरेली, बस मेरा मतलब ये समझ लीजिए कि मेरी बदकिस्मती है, शायद मैं आई हूँ और यहाँ थोड़ा सा सिचुएशन सही नहीं है। मैंने सुनने में आया, जैसे आई थी मैं, ड्राइवर ने बताया कि मैम सिचुएशन सही नहीं है यहाँ पे, तो कहीं भी जाना हो तो बता दीजिएगा। लाइक तो मेरी किस्मत ही खराब है आई थिंक, पता नहीं, मे बी नेक्स्ट टाइम शायद मेरी मूवी यहीं पर शूट हो जाए। ओब्वियसली आई एम जस्ट क्राइंग टू गॉड, तो आऊँगी जरूर। बरेली वासियों की क्या संदेश है आपके लिए? बरेली वासियों के लिए सबसे पहले तो जितने लोगों से मैं भी आकर मिली हूँ, बहुत ही प्यारे लोग हैं, एंड पहले धन्यवाद बोलूँगी उनको और सॉरी भी बोलना चाहूँगी कि मुझे इतना वेट कराया। एंड ऑब्वियसली बरेली वालों, आई डोंट नो, बट जब मेरी शूट होगी तो मैं सीरियस चाहती हूँ कि यहाँ दिल से सबसे मिलो, हर एक बंदे से यहाँ मिलूँ, क्योंकि नए शहर को हर कोई देखना चाहता है, लोगों को जानना चाहता है, उनके उनसे घुल मिलना चाहता है। मैं भी इस टाइप की, मुझे भी पसंद है घुल मिलना। तो बरेली लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि लव बरेली, एंड आते बहुत अच्छा स्वागत मिला, थैंक यू सर। मैडम, कोई डायलॉग आपकी पिक्चर का, कोई थोड़ा सा बता दीजिए। मैडम, जो आपने जो फिल्म वगैरह वेब सीरीज की है उनका का थोड़ा सा नाम हमारे दर्शकों को पता लग जाएगा, तो वो सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल सर्च कर सकते हैं आपको। मेरे वेब सीरीज का नाम आई लव यू है और दी सेवन डेट है, जो अभी रिलीजिंग पे है। इसके अलावा मैंने भोजपुरी मूवी की थी कैसे नचा लग प्यार, और बहुत सारे सॉन्ग्स किए हुए हैं, इंटरनेशनल शो वगैरह मैंने किए हुए हैं, और दुबई के लिए, बैंगलोर एंड बैंकॉक के लिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।